हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी हाइव पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्की में चल रहे हगिया सोफिया मामले पर। कुछ दिनों से आप सभी न्यूज़ चैनल में सुन रहे होंगे कि टर्की की गवर्नमेंट वहाँ मौजूद हगिया सोफिया म्यूज़ियम को उसके स्टेटस चेंज करके उसको एक मॉस्क का स्टेटस देने की बात कर रही है। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त हगिया सोफिया म्यूज़ियम का स्टेटस चेंज करके उसको एक मॉस्क का स्टेटस दे दिया गया है। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्की की। इंडिया की तरह टर्की भी एक सेकुलर कंट्री है जहाँ 98% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 1924 में टर्की ने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और 1928 में इसे इस्लामिक रीजन से एक सेकुलर कंट्री में बदल दिया गया। साथ ही टर्की एक चार्टर मेंबर है यूएन का और साथ ही मेंबर है आईएमएफ, ओआईसी, वर्ल्ड बैंक और नेटो का। टर्की की जियोग्राफिकल अगर हम बात करें तो ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल यूरेशियन कंट्री है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल मतलब इसका मेनली पार्ट अनातोलियन पेनासुला पर है जो कि वेस्टर्न एशिया में, और इसका स्मॉलेस्ट पार्ट साउथ ईस्टर्न यूरोप में है जो कि बाल्कन पेनासुला पर है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये है हमारा एशिया और ये है टर्की। चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक हगिया सोफिया की। हगिया सोफिया को आया सोफिया, सेंट सोफिया और कई नामों से जाना जाता है। हगिया सोफिया टर्की के इस्तांबुल में है जो कि उस टाइम कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। इसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो हगिया सोफिया को 6th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटिनोपल के एक कैथेड्रल चर्च के रूप में बनाया गया था जो कि रोमन एम्परर जस्टिनियन फर्स्ट ने अपने दौर में बनवाया था। हगिया सोफिया को 532 से 537 AD के बीच तकरीबन 5 साल में बनाया गया था, तो करीब 1400 से ज़्यादा साल हो चुके हैं इसे बनाए हुए। तो आप इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं। हगिया सोफिया को बेजेंटाइन के बेहतरीन आर्किटेक्चर द्वारा डिज़ाइन किया गया था और जैसा कि आप इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखकर कह सकते हैं, सन 1453 में ओटोमन एम्पायर के सुल्तान महमद सेकंड ने, जो उस वक्त सिर्फ 21 साल के थे और जिन्हें बाद में कॉन्करर भी कहा जाने लगा, यहाँ अपनी जीत का परचम लहराया और हगिया सोफिया को उसे एक मॉस्क में बदल दिया। हगिया सोफिया चर्च को एक मॉस्क में बदलने के बाद यहाँ के अंदर के स्ट्रक्चर को भी एक इस्लामिक स्ट्रक्चर में बदल दिया गया। इसी बीच यहाँ हुई बाकी जंगों और आने वाले जलजलों की वजह से यहाँ के स्ट्रक्चर को कई बार नुकसान हुआ, जिसकी वजह से यहाँ रिपेयरिंग का काम भी कई बार हो चुका है। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ओटोमन एम्पायर टूटने लगा और सन 1934 में मॉडर्न सेकुलर टर्की के फाउंडिंग फादर कहे जाने वाले मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने यहाँ की कमान संभाली। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एक जनरल डिक्टेटर थे और जिन्होंने टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखने की जिम्मेदारी वहाँ की मिलिट्री को दी और जिनके ऑर्डर पर हगिया सोफिया, जो उस टाइम एक मॉस्क थी, उसका स्टेटस चेंज करके उसको एक म्यूज़ियम में बदल दिया। अब बात करते हैं टर्की के प्रेजेंट प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन की। 1990 में तैयब अर्दोगन मेयर थे इस्तांबुल के और जिन्होंने 2001 में अपनी पार्टी बनाई और 2002 के इलेक्शन में वो PM चुनकर आए अपने बेहतरीन काम की वजह से। 2002 का इलेक्शन जीतने के बाद तैयब अर्दोगन ने टर्की में बेहतरीन काम किया और जिसकी वजह से वहाँ की GDP ग्रोथ करने लगी और पॉवर्टी कम होने लगी। इसी के चलते सन 2007 और 2011 में वो दोबारा PM चुनकर आए। इसके बाद सन 2014 और 2018 में तैयब अर्दोगन वहाँ के प्रेसिडेंट रहे। इसके अलावा आज की अगर हम बात करें तो जुलाई 2020 में टर्की की स्टेट काउंसिल और अर्दोगन ने ये फैसला लिया है कि हगिया सोफिया का स्टेटस चेंज करके उसको फिर से एक मॉस्क में बदल दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने इस फैसले का विरोध किया है और इस पर अपनी नाराज़गी जताई है। जैसा कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च ने
तैयब अर्दोगन से ये अपील की है कि वो अपना फैसला वापस लें। वहीं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसिस के पोप और यूनेस्को ने भी इस पे अपना एतराज़ जताया है। वहीं दूसरी तरफ तैयब अर्दोगन ने ग्लोबल क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हुए अपने डिसीजन पे कायम रहने का फैसला किया है, और इसी के चलते 24 जुलाई 2020 को हगिया सोफिया में फर्स्ट प्रेयर भी होने जा रही है। तो ये सब जानने के बाद क्या है आपकी राय? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। आपके सजेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।